ये देखिए क्या ही मस्त मस्त खाना आया हुआ है दोस्तों। ये देखिए ना, देखिए क्या ही मस्त स्पेशल खाना आया है दोस्तों, गुजराती खाना। ये देखिए, देखिए फटाफट खोलते हैं अब सभी आइटम को। देखिए क्या ही मस्त मस्त आइटम दिया हुआ है। ये देखिए गुजरात आए हुए हैं तो गुजरात का ये स्पेशल खाना खाते हैं। तो गुजराती स्पेशल वेराइटी खाना लग चुका है दोस्तों। ये देखिए क्या ही मस्त मस्त आइटम है एकदम। देखिए ये रहा पराठा, ये रहा अचार, और ये रहा। अब चलते हैं खोलने के लिए प्लास्टिक वाला। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी रात हो चुका है और हम लोग आ करके हाथ मुंह धो लिए हैं दोस्तों, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए कपड़ा वगैरह सब चेंज कर लिए हैं और आराम से बैठे हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों, पानी लाने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 9 नंबर डालने से रिसेप्शन में लग जाएगा फ़ोन, तो वहीं पर लगाते हैं और पानी मंगवाते हैं। पहले पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद में खाना का भी ऑर्डर देते हैं। यहीं पर खाना पीना भी मिल जाता है। तो चलते हैं अब टेलीफोन के पास, है ना जी? हाँ जाइए। जिंदगी में हम लोग पहली बार ऐसा टेलीफोन यूज करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग पहले कभी नहीं रहे ऐसा होटल में। तो आज मौका मिला है तो सारा चीज़ यूज कर ही लेते हैं, कैसा कैसा होता है। देखिए यहाँ पर पहले रंगीला बाबू बैठ गया है। अच्छा ऐसे उठाना है? अच्छा मेरा तो बाप बन गया तुम, सब पहले ही जान जाता है। और ऐसे नहीं, धीरे धीरे से रखना है। अच्छा धीरे से रखना है। अच्छा चलो उधर बैठो, तो अब हम फोन लगाते हैं, है ना? अब चलते हैं, रंगीला बाबू तो हमसे ज़्यादा जानता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 नंबर, तो अब चलते हैं 9 नंबर पे फ़ोन करते हैं और पहले पानी मंगवाते हैं। देखिए पहले ज़माने का ये टेलीफोन है तो हमको पता नहीं है, आजकल तो मोबाइल हो गया है तो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, ऐसा तो फ़ोन हम लोग यूज कभी किए नहीं है। हाँ सर दीजिएगा, पानी दीजिएगा। हाँ पानी भेजवा दीजिए, प्यास बहुत ज़्यादा लगा है। ठीक ठीक, तो पानी के लिए बोल दिए हैं दोस्तों, पानी लेकर के आएंगे, उस समय खाना का भी ऑर्डर दे देंगे उसी में। तो अभी हम लोग बैठते हैं, तब तक कब तक आते हैं पानी लेकर के? देखिए इधर सब चीज़ एकदम दिया हुआ है इस स्विच बोर्ड में। देखिए ये है बेल का है, इसमें आवाज़ करता है, और देखिए ये टेलीफोन का कनेक्ट है, और देखिए यहाँ पर फ्यूज वगैरह कैसे दिया जाता है। देखिए ई वाला घुसा देने से पूरा रूम में लाइट आ जाता है और पंखा भी चलता है। देखिए ऐसा जो है ना, हम लोग का गाँव देहात में बहुत शायद, मतलब बहुत शायद क्या, हमको लगता है कि टाउन में ही ऐसा बनता होगा, और नहीं तो हम लोग का गाँव देहात में तो ऐसा कहाँ मिलेगा एकदम। तो ये चीज़ हम लोग को पहली बार देखने को मिल रहा है, तो हम लोग एकदम अचंभा टाइप का लग रहा है कि हम लोग इसको यूज कैसे करें। तो आते हैं कभी कभार स्टाफ लोग आते हैं होटल का, तो वही सब बता करके जाते हैं। शायद भैया आ गए हैं दोस्तों, बजना शुरू हो गया भैया। हाँ पानी दीजिएगा। जग दे दिए भैया को, अब पानी ले करके आएंगे, वो अपने लेकर के आएंगे अपना जग में। और देखिए अभी इधर सोनम आराम कर रही है, क्योंकि काफ़ी हम लोग घूमे ना बीच में तो थकावट लगने लगा है, क्या सोनम? हाँ इसीलिए आराम कर रही है। चलो तब तक आराम करो, है ना? तो पानी हम लोग का आ गया है दोस्तों। देखिए अभी रंगीला बाबू ढार रहा है, बढ़िया से ढारना बाबू, है ना? पानी मत गिराना नीचे। और उधर देखिए सोनम अभी पी रही है। कैसा पानी है सोनम? पूरा फ्रेश ठंडा, बढ़िया है ना? गर्मी चालू हो गया है दोस्तों, सूरत में तो ज्यादा ही गर्मी लगता है। देखिए सभी कोई अपना अपना काम पे लग गए हैं, उधर लक्ष्मी अपना काम में लग गए हैं। ये देखिए रिमोट को भी मोबाइल मंगा रही है, अभी बना रही है, कोई चीज मंगा रही है फोन करके। देखिए वो भी टेलीफोन यूज करना सीख गई। तो पानी वगैरह हम लोग पी लिए दोस्तों, और खाना का भी ऑर्डर दे दिए हैं, खाना अभी आता ही होगा, क्या सुनम? तो अभी खाना आ ही रहा है दोस्तों, तब तक हम लोग खाना का वेट करते हैं, बैठते हैं आराम से, अभी कुछ कुछ देखते हैं। देखिए इधर टीवी लगा हुआ है, समाचार वगैरह देखते हैं क्या क्या हो रहा है देश में, क्या सुनम? क्या कि हम लोग के घर में तो टीवी है नहीं, यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, तो टीवी देखते हैं सभी कोई आराम से, उसके बाद में फिर हम लोग खाना पीना खाएँगे। ओ खाना आ गया, पूरा भैया एकदम मस्त से एकदम थाली एकदम सजा करके लाए हुए हैं, तुझे पकड़िए। वाह ये देखिए क्या ही मस्त मस्त खाना आया हुआ है दोस्तों। ये देखिए एकदम बढ़िया वाला,
खाना तो हम लोग का आ ही गया है दोस्तों, और देखिए हम लोग का प्लेट भी आ गया है, प्लेट के साथ में हम लोग का चम्मच भी आ गया है, और इधर देखिए ये रहा छाछ, देखिए दो बोतल छाछ आया हुआ है, तीन बोतल आया है। अच्छा नीचे गिरा होगा ना, तो चलते हैं खाना निकालते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म खाना है, निकालिए जी, देखिए क्या ही मस्त स्पेशल खाना आया है दोस्तों, गुजराती खाना। ये देखिए कविता जी खोलना शुरू कर दिए क्या जी, चलिए सब खोलिए, देखो यहाँ पर रखते हैं, और देखिए यहाँ पर पापड़ है पूरा एकदम, ये भी करंची वाला है गुजराती स्पेशल, देखिए कितना अच्छा अच्छा खाना आया हुआ है। कचरा वाला डिब्बा है नीचे। अच्छा चलिए डालिए, इसको भी निकालिए, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग गुजराती स्पेशल खाना लगाते हैं। देखिए क्या ही मस्त मस्त आइटम दिया हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा अच्छा सब्जी बना हुआ है एकदम, ये देखिए ये रहा शायद ये है पनीर और शिमला मिर्च का सब्जी है, और ये देखिए पनीर का मिक्स वेज है, देखिए ये रहा तड़का दाल वाला, और इधर देखिए ये रहा रोटी, ये भी पूरा एकदम मस्त है एकदम, घी वगैरह लगा करके दिए हुए हैं। ये देखिए एकदम कितना अच्छा रोटी का बंडल है, यहाँ पर डाल देते हैं, देखिए साथ में अचार भी दिए हुए हैं, और देखिए भात भी है एक साइड में, इधर देखिए सलाद भी है, उसके साथ में नींबू भी है, देखिए यहाँ पर मेथी पाउडर है, और यह है पापड़, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, देखिए कितना अच्छा अच्छा आइटम यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए और भी खोलिए जी, सब खोलिए, देखिए फटाफट खोलते हैं अब सभी आइटम को दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ कुछ आइटम प्लेट में भी निकाल लेते हैं। देखिए चावल कितना फ्रेश बना हुआ है, लंबा लंबा चावल है, यहाँ से इतना ही निकालेंगे, इसी में खाएगा। हाँ। अच्छा रुको थोड़ा सा बस, बस इतना ही। हाँ। रुको अब चलते हैं खोलने के लिए, प्लास्टिक वाला दाल है, कौन सी दाल का तड़का है जी, बढ़िया एकदम गारेगार है, सब निकालिए। इधर दीजिए साइड में, इधर दीजिए, हाँ वहाँ भी दीजिए, यहाँ डालिए, यहाँ भी दीजिए। अब चलते हैं रोटी लगाते हैं दोस्तों, देखिए कितना मस्त यहाँ पर मक्खन लगा करके दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा रोटी है। उसको वहाँ पर डाल दीजिए, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो गुजराती स्पेशल वेराइटी वेराइटी खाना लग चुका है दोस्तों, ये देखिए क्या ही मस्त मस्त आइटम है एकदम, देखिए ये रहा पराठा, ये रहा अचार, और ये रहा मिक्स वेज, और इधर देखिए ये है सलाद नींबू, और इधर देखिए ये रहा तड़का एकदम स्पेशल वाला, और ये रहा मटर और पनीर का ये सब्जी एकदम, मतलब मटर पनीर मसाला पूरा एकदम मस्त तरह से एकदम बनाया हुआ है, और देखिए चावल भी कितना फ्रेश है एकदम, सब चीज़ एकदम बढ़िया तरह से बना करके मिला हुआ है दोस्तों, गुजराती स्पेशल खाना। अब चलते हैं हम लोग, गुजरात आए हुए हैं तो गुजरात का ये स्पेशल खाना खाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है खाने में, क्या सुनम। चलिए देखिए शुरू कर दिए कविता जी खाना, इनको शायद पूरा भूख लगा था ना जी, और देखिए रंगीला बाबू भी शुरू कर दिया है खाना। तो अब चलते हैं दोस्तों गुजराती स्पेशल खाना टेस्ट करते हैं कैसा बना हुआ है, चलो सुनम खाओ। हाँ हाँ गिर गया, धरती माँ को जा रहा है पहला खाना। हाँ, चलिए बढ़िया हो गया, अपने हो गया, जय धरती माँ। खाते हैं अच्छा गुजराती स्पेशल खाना का मजा लेते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मेथी दाना है वो,
तो खाना पीना हम लोग सभी को खा लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग, आराम करते हैं। सुबह में हम लोग का ट्रेन है तो जल्दी से हम लोग सो जाते हैं, फिर भोरे हम लोग को उठना पड़ेगा और उठ करके फिर हम लोग को जाना पड़ेगा फिर अपना घर। तो अब चलते हैं फटाफट हम लोग सोते हैं, क्योंकि हम लोग को एकदम 2 बजे तक उठ जाना है, नहीं उठने सकेंगे ना तो हम लोग का ट्रेन छूट जाएगा। देखिए इधर कविता जी और लक्ष्मी यहाँ पर सोना शुरू कर दिए, यहाँ पर सोएंगे लक्ष्मी, कविता जी और सोनम तीनों सोएंगे, और हम और रंगीला बाबू यहाँ पर सोएंगे आराम से ना बाबू। देखिए इसका फोन चालू हो गया। पिज्जा? अच्छा ठीक, मंगाओ फोन से पिज्जा। देखिए इसको 10 बजे रात को इसको पिज्जा मंगाने का सोच रहा है अभी, बहुत एकदम शरारत करते रहता है। इसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो मोबाइल बना लेगा और इसे हेलो हेलो अटपटंग करते रहेगा, कभी कभार जो है ब्लॉग भी बनाने लगता है, कुछ भी एकदम उठा लेता है। अब चलते हैं हम लोग दोनों बाप बेटा यहीं पर सोते हैं ना बाबू, चलो साइड लगो। फोन चलाए? हाँ बाद में फोन चलाना, अभी सो जा। हाँ देखिए इधर कविता जी काफी मस्ती कर रहे हैं ना जी, सोइए सोइए। लाल पलंग तो नहीं है, आराम करो सोनम, हम और रंगीला बाबू इधर सो रहे हैं, उधर सोइए आप लोग। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं दोस्तों और हम लोग देखिए सभी को रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग की गाड़ी है 4:31 में हम लोग की गाड़ी खुलेगी, तो हम लोग फटाफट चलते हैं, स्टेशन सामने में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जल्दी हम लोग को निकलना पड़ेगा। चलिए सुनो अब आओ आओ, अब चलते हैं, चाबी निकालते हैं, अपने आप लाइट ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया, इसका मतलब लाइन कट गया। अब चलते हैं रूम लॉक करते हैं और चाबी देते हैं काउंटर में और सीधे निकलते हैं। लॉक हो गया, चलिए 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 चलिए, कोई चीज छूटा तो नहीं ना रूम में? नहीं। चलिए अरे इधर जाना है, इधर इधर हम भी किधर जा रहे हैं आग बाकी में। तो होटल से हम लोग आ गए हैं दोस्तों रोड में, अब सीधे चलते हैं रेलवे स्टेशन, देखिए सामने में ही रेलवे का स्टेशन है, ये देखिए यहीं पर अभी हम लोग को जाना है। देखिए ये रहा दोस्तों सूरत जंक्शन, यहीं से हम लोग की गाड़ी मिलेगी। तो अभी हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में घुस गए हैं दोस्तों, देखिए गाड़ी निकलना शुरू हो गई है, अभी हम लोग की गाड़ी नहीं आई है, देखिए काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है पैसेंजर का, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम यात्री यात्री है, बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है सूरत रेलवे स्टेशन। तो गाड़ी लग गई है दोस्तों प्लेटफॉर्म में, अब हम लोग भी चलते हैं ऊपर, चलो सनम गाड़ी लग गई। तो ट्रेन हम लोग बढ़िया तरह से चढ़ चुके हैं दोस्तों, और देखिए सभी को अभी सो रहे हैं, कविता जी इधर सो रहे हैं और इधर सोनम सो रही है, और इधर देखिए लक्ष्मी अभी जाग रही है, इसको नींद नहीं आ रहा है क्या लक्ष्मी? भैया तो सो गया, और रंगीला बाबू दूसरे सीट पे सोया हुआ है जहाँ पर हम सोएंगे, यहाँ पर दोनों सोए हुए हैं और हम और रंगीला एक सीट पे सोएंगे। तो चलते हैं, ये सब तो सो रहे हैं अभी और बाकी लोग भी सो रहे हैं दोस्तों, और गाड़ी हमारी खुल चुकी है, देखिए सभी को अपने अपने सीट पर सो रहे हैं, अब चलते हैं हम भी आराम करते हैं। और इधर देखिए बैग हम लोग यहाँ पर घुसा दिए हैं सीट के अंदर, एकदम सुरक्षित है, और लक्ष्मी भी जाग रही है, ये पता नहीं कब तक जागेगी क्या लक्ष्मी? सोना नहीं है, नींद नहीं आ रहा है, इसको नींद नहीं आएगा, अब थोड़ा देर के बाद में सुबह हो जाएगा ना तो इसको नींद नहीं आएगा अभी। तो अभी सुबह हो चुका है दोस्तों, और सुबह सुबह हम लोग उठ करके फ्रेश भी हो गए हैं, और इधर देखिए रंगीला बाबू सुबह सुबह चाय मंगा लिया है और अभी पी रहा है ना बाबू, है बढ़िया लग रहा है, पियो पियो पियो। और सुबह सुबह का नज़ारा देखिए दोस्तों, क्या ही मस्त नज़ारा है, एकदम पूरा अच्छा लगता है, एकदम बाहर तरफ से पूरा एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रहा है और मस्त धूप भी उगा हुआ है। और अब हम लोग उतरने वाले हैं दोस्तों, कुछ ही देर में स्टेशन आ जाएगी जहाँ पर हम लोग उतरने वाले हैं, और हम लोग कहाँ पर उतरने वाले हैं दोस्तों वहीं पर उतर करके आप लोग को बताएंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल ट्रेन में ही हैं, अभी धीरे धीरे जो है प्लेटफॉर्म पर लगाएगी। तो जंक्शन हम लोग पहुँच गए दोस्तों, अब प्लेटफॉर्म में गाड़ी लग रही है, अब हम लोग भी चलते हैं
धीरे धीरे सब सामान निकालते हैं। चलिए जी, हाँ अंदर बैग है, बैग को पहले निकाल लेते हैं। चलिए जी, चलिए 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 सर, चलिए साइड होइए। अब हम लोग चलते हैं गेट तरफ। देखिए सब कोई लाइन में लग गए हैं उतरने के लिए। चलिएगा भैया, धीरे धीरे बढ़िएगा आगे। चलिए आइए जी। तो रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों, और सारा सामान भी उतार लिए हैं। अब हम लोग बाहर निकलते हैं, और अभी हम लोग आए हुए हैं दोस्तों टाटा नगर जंक्शन। तो यहाँ पर सब चीज़ हम लोग अच्छा तरह से सामान वगैरह उतार लिए हैं। अब हम लोग सीधे जो है चल जाएंगे हम लोग। चलिए फटाफट चलिए, अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर तरफ। वहाँ पर हम लोग टिकट कटा लेंगे टिकट काउंटर में, उसके बाद में सीधे चल जाएंगे। अभी गाड़ी नहीं है, 2 बजे के आसपास में गाड़ी है, तो अभी हम लोग के पास में आराम से समय है। हम लोग खाना पीना भी खा करके आ जाएंगे, उसके बाद में गाड़ी बैठेंगे। तो टाटा नगर जंक्शन से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, और अभी यहाँ पर खड़ा है। तो अब चलते हैं हम लोग फटाफट, होटल निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि काफ़ी भूख भी लग गया है। तो अब आ ही गए हैं, अब चलते हैं होटल तरफ, देखते हैं कहीं बढ़िया होटल होगा तो वहाँ पर खाना पीना खाएंगे, उसके बाद में फिर आ जाएंगे। और इधर देखिए लक्ष्मी को, टाटा नगर आ करके पूरा एकदम खुश है, अभी खेल रही है पूरा। ट्रेन में दोनों भाई बहन इतना ज़्यादा रो रहा था ना, लेकिन यहाँ पर पूरा देखिए एकदम खेलने लगा। अपना झारखंड आ करके ये लोग पूरा एकदम खुश हो गया देखिए। तो अब चलते हैं दोस्तों हम लोग होटल तरफ, खाना पीना खाते हैं और फिर आते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।